वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों में से आगरा की 9 सीटों पर भी पहले चरण का चुनाव लगातार जारी है। आगरा की ग्रामीण विधानसभा से भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के चुनाव लड़ने के कारण ये सीट हॉट सीट पर शुमार है। तो वहीं आगरा छावनी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने राज्य मंत्री डॉक्टर जी एस धर्मेश पर दांव लगाया है। पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में आगरा की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार सपा रालोद गठबंधन के चलते सभी 9 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आगरा में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है, तो वहीं सपा रालोद गठबंधन ने बीजेपी की मुश्किलें थोड़ी बढ़ाई है। प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। उत्तर प्रदेश की 11 जिले की 58 विधानसभाओं पर आज मतदान हो रहा है। उसी क्रम में आगरा की 9 विधानसभाओं पर मतदान हो रहा है। इस वक्त हम मौजूद है आगरा की एतमादपुर विधानसभा पे, जहां पर वोटरों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ये लोकतंत्र का पर्व है, जो लोग मना रहे हैं, यहाँ अपना मत कर रहे हैं और अपने मुद्दों को रख रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सुरक्षा की बात की जाए, अगर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, यहाँ पुलिस बल तैनात है, पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात है और यहाँ लोगों में काफी उत्साह है, वोटरों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा ये उत्साह कितना कारगर साबित होता है, लोग अपने किस विधायक को चुनते हैं और किसको नकारते हैं। आगरा से A1 टीवी शाहिद रजा। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। उत्तर प्रदेश की 11 जिले की 58 विधानसभाओं पर आज मतदान हो रहा है। उसी क्रम में आगरा की